गाइस आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग KYC फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। यदि आपके खाते में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है और आपको KYC फॉर्म भरना है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश कुमार और आप देख रहे हैं फास्ट सपोर्ट। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप अपने ब्रांच के नाम को डालना होगा, किस प्लेस पे अपना ब्रांच है उस जगह का नाम यहाँ पर आपको इंटर करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को इंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर पिन नंबर डाल देंगे। अपना पिन नंबर होगा तो वह पिन नंबर यहाँ पर डालेंगे और ऑक्यूपेशन आप कौन सा कार्य करते हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे और आपको यहाँ पर एनुअल इनकम आप कितना कमा लेते हैं 2020 में आपको पता नहीं होगा लोग कितना कमाया है, फिलहाल मैं डाल देता हूँ अपने हिसाब से। और उसके बाद आपको आपको एक 5 नंबर पे एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा KYC डॉक्यूमेंट सबमिटेड। जब आप KYC करवाएंगे तो आप कौन से इसमें से डॉक्यूमेंट आप देने वाले हैं यहाँ पे नीचे के साइड में एक आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, टिक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से एक को आपको टिक करना होगा जिससे आप वेरीफाई कराना चाहते हैं अपने KYC डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं उसको, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको चुनना होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब चुन सकते हैं। फिलहाल मैं आधार कार्ड चूज़ कर लेता हूँ और जिसको आप चूज़ किए हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर डालना होगा, KYC डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पर अपने आधार कार्ड को नंबर को डाल देंगे यहाँ पर और उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट, प्लेस और यहाँ पर आपको एक थंब इम्प्रेशन आप लगाइएगा अपने अंगूठे से, लाइक भी कर दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अपने नाम को डालेंगे और यहाँ पर करेंट एड्रेस को फिल कर देंगे अच्छा तरीक़ा से, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये सब आपको यूज़ नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज ओनली, सिर्फ ऑफिस में ही यहाँ यूज हो सकता है, इसको आपको भरना नहीं है, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर एक सुंदर सा फ़ोटो लगा देंगे अपना, चाहे जिसका भी हो, जिसका KYC फॉर्म आप भरना चाहते हैं उनका लगा सकते हैं। सो गाइस, यदि अभी भी आपको कन्फ्यूजन है KYC से लेकर तो कमेंट कर सकते हैं, फटाक से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।